अलेक्जेंडर द ग्रेट इतिहास का पहला ऐसा इंसान था जिसे विश्व विजेता के तौर पर जाना जाता है, जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था, जिसे भारत में सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। अलेक्जेंडर एक ग्रीक भाषिक शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रोटेक्टर ऑफ मैनकाइंड, मतलब मानवता का रखवाला। टेम्पल ऑफ आर्टिमिस जो दुनिया के सात अजूबों में शामिल था, जिस रात टेम्पल ऑफ आर्टिमिस को जलाया गया उसी रात अलेक्जेंडर का जन्म हुआ था। अलेक्जेंडर को हेट्रोक्रोमिया इरिडियम था जिसकी वजह से उसकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग था। अलेक्जेंडर दुनिया के सबसे महान फिलोसोफर एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। अपनी पहली जीत से लेकर मृत्यु तक अलेक्जेंडर अपराजित रहा, वो किसी से नहीं हारा। सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था, फिर भी वो पृथ्वी के 5% हिस्से को ही जीत पाया था। सिकंदर को सबसे कांटे की टक्कर भारत के राजा पोरस ने दी थी। उसने सिकंदर की सेना के मन में खौफ पैदा करके उसे भारत से लौटने पर मजबूर कर दिया। दुनिया के किसी भी हिस्से को जीतने के बाद अलेक्जेंडर वहाँ अपने नाम से एक शहर बसाकर अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करता था। दुनिया के लगभग 70 शहरों को उसने अपने नाम से अलेक्जेंड्रिया नाम दिया था। अलेक्जेंडर की 3 पत्नियां और 2 बेटे थे। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद दोनों बेटों की हत्या कर दी गई थी। अलेक्जेंडर की मृत्यु मिस्टीरियस तरीके से हुई थी। कुछ लोगों का मानना था कि उन्हें जहर देके मारा गया। इजिप्त के अलेक्जेंड्रिया शहर में सिकंदर की कब्र थी, लेकिन 4th century की शुरुआत में उसकी कब्र कहीं गायब हो गई थी। सिकंदर सिर्फ 32 साल जिया, लेकिन आज भी दुनिया उसे विश्व विजेता के नाम से जानती है।